कोरोना संक्रमितों के बढ़ने से प्रशासन की परेशानी बढ़ी। जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणमान्य नागरिकों से जन जागरूकता बढ़ाने की अपील। देपालपुर SDM प्रतुल सिन्हा ने बेटमा नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, CMO राजा यादव, बेटमा के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, नगर परिषद कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया, जिसमें SDM ने कहा कि जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकले हैं, वहां पर कुछ लोगों ने राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता और नगर परिषद व कर्मचारियों के बार बार निवेदन करने पर भी अपनी जांच नहीं करवाते तथा घरों पर ताला लगाकर बाहर चले गए, तो ऐसे लोगों के घरों को सील कर उनके लाइट व नल कनेक्शन काट कर समस्त शासकीय सुविधाओं से वंचित करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपना कार्य जिम्मेदारी से निभा रही है, किंतु लोगों में जागरूकता का अभाव है, या तो जानबूझकर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। प्रतिदिन निकलने वाले नए केस चिंता का विषय है, इसलिए जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के प्रमुख व्यक्तियों को घरों से बाहर निकलकर जनता से अपील करना होगी कि वो मास्क लगाए बिना घरों से बाहर नहीं निकले, 2 गज दूरी का ध्यान रखे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे तथा सैंपलिंग के लिए आई टीम का सहयोग करें, और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो उसके आसपास वालों को सैंपलिंग के लिए प्रेरित करें। SDM ने शनिवार से बेटमा के बाजार को रात्रि 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए। देपालपुर से दीपक सिंह। पेशेंट निकले हैं वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 2 में 15 पेशेंट, तो मुझे जानकारी में प्राप्त हुआ, फिर SDM साहब से चर्चा हुई। SDM साहब ने बोला कि अपने को बेटमा में दरबार सभी लोगों को जागरूक करना है, सभी समाज सेवी संगठन और सभी नागरिकों को, इसलिए अपने को एक मीटिंग आयोजित करना है। उस विषय में आज बेटमा नगर में नगर परिषद में नगर के प्रमुख लोग और नगर के जनप्रतिनिधि प्रमुख, सभी वार्ड के पार्षदगण, वर्तमान पूर्व सभी, इन लोगों के समक्ष SDM साहब, तहसीलदार साहब और हमारे गणमान्य नागरिक रामनिवास जी, दाऊ मूलचंद जी शर्मा, अब्दुल कलाम जी, नारायण सिसोदिया जी, सभी के समक्ष, हरचंद जी बयानी और भी व्यापारीगण जितने भी, उनके सभी के समक्ष एक SDM साहब ने कुछ बातों की जानकारी दी। उसमें सभी लोगों को मिलकर एक सौर दल का गठन करना, जो कि सोमवार से सभी समाज सेवी संगठन और बेटमा के जनप्रतिनिधि और नागरिकगण इसमें शामिल होकर वार्ड वाइज घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक कर उनको कोरोना के विषय में जानकारी देंगे। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी जाँच करवाएँ और प्रशासन, शासन प्रशासन का सभी ने सहयोग करने का जनप्रतिनिधि और सभी लोगों ने वादा किया है। अगर बेटमा में 15 केस पॉजिटिव आए हैं, ये संख्या काफ़ी थी, और हमने अलग अलग समय पे लोगों से अनुरोध किया है, आज कुछ कार्रवाई भी सख्त करनी पड़ी है। मैंने विभिन्न जो सोसाइटी के सेगमेंट हैं उनको बुलाया था, यहाँ के जो अध्यक्ष जी रहे हैं श्री बब्बी दरबार जी, उनसे मैंने चर्चा की और फिर ये बात हुई थी कि सभी लोगों के साथ एक बैठक करके लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास फिर से करने की आवश्यकता है। आज मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, उनसे चर्चा हुई है, और सोमवार से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, जो स्वेच्छा से आकर लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करना चाहते हैं, उनकी एक टीम बनाएंगे, और मंडे से हम लोग जो शौर्य दल पहले था उनके मेंबर्स और जो अदर सोसाइटी के लोग इस ग्रुप में आना चाहते हैं उनको जोड़ करके हम दल बनाएंगे, और वो दल सोमवार से घर घर जाकर लोगों को ये बताएगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्यों उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का पालन करना चाहिए, यदि बीमारी फैल रही है तो उससे बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बहुत डू एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका हम पैम्पलेट भी बंटवाएंगे घर घर में, और लोगों से उनके घरों में जाकर अनुरोध करेंगे कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो वो घरों से ना निकलें। यदि किसी में कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें।